करना है। गुड इवनिंग मैम। हाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे मैम, ये सर जी कौन है? शंकर कुमार के आईडी से जो बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल अननेसेसरी नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपकी शिकायत विद्यालय परिसर में की जाएगी। आप बच्चे बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप से डिसिप्लिन वे में 1 घंटे पूरी पढ़ाई करें। चलो बाकी बच्चे भी फोर्थ सेक्शन में जाकर आंसर दो सभी बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, सभी कोशिश करेंगे आंसर करने का। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सभी पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करेंगे। मैम बेटा, आपको कुछ भी पूछना हो आप चैट बॉक्स का उपयोग करें, अननेसेसरी अनम्यूट बिल्कुल खुद को नहीं करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे किया आप लोगों ने ये। जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड सब बच्चे आंसर करेंगे। और जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी मुझे नहीं जानना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, वो आप ऑलरेडी पोल सेक्शन में जाकर दे चुके हो। सिर्फ जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है वही आंसर करेंगे, बाकी बच्चे ये बताएंगे आपने क्वेश्चन को किया कैसे, इसके स्टेप्स लिख के चैट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। चलो लास्ट के 5 सेकंड में और दे रही हूँ, सभी बच्चे आंसर करो। हाँ जी चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को, जो भी ऑप्शन चुना है आपने कैसे किया। ऑप्शन नहीं पूछ रही हूं मैं, सॉल्व करके दिखाओ मुझे चैट बॉक्स में, ऑप्शन नहीं पूछ रही हूं मैं। वेरी गुड, ओके 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150, 90 प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों ने ए बोला है, कुछ बच्चों ने डी बोला है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं, तो आप लोगों ने बोला कि एक्स का मान 150 डिग्री है। चलो एक्स का मान 150 डिग्री मैंने लिख दिया, अब देखो जरा क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि एक त्रिभुज में एक कोण 150 डिग्री का है दूसरा 60 डिग्री का है, करो जरा इन्हें ऐड, बताओ संभव है ये, पॉसिबल है, हाँ या नहीं। आपसे एक्स का मान पूछा गया है ना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये बताओ, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, सबको पता है ना 180 डिग्री होता है। बट यहाँ तो अगर आपने एक्स को 150 डिग्री बोल दिया तो 150 में जरा 60 को जोड़ो यही 210 हो गया, तीसरा कोण तो अभी भी बाकी है, तो ए तो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है ये कौन सा कोण है त्रिभुज का, अंतः की बाह्य, बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण है ये, और आपको पता है जो बाह्य कोण होता है वो सामने वाले अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, याद आया कुछ, ये पढ़ा था पिछली बारी है कि नहीं। तो एक्स प्लस 60 डिग्री, अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, क्या जोड़ू मैं 60 में ऐसा कि 90 डिग्री बन जाए। सभी बच्चे सही वाला आंसर लिखेंगे अब, बिल्कुल ठीक जवाब, एक्स की जगह जब मैं 30 भरूंगी तभी मेरे पास 30 प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री बनेगा, जो कि बाह्य कोण है। आप लोगों ने क्या किया था, आपने इन दोनों को जोड़ दिया 90 और 60 को, और आपने देखा 150 डिग्री आ रहा है, तो भैया यही हमारा सही आंसर है। नहीं पहले देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे x का मान पूछा गया है,
एक्स क्या है? एक्स त्रिभुज का अंतः कोण है ना? एक बाह्य कोण आपको दिया गया था, है कि नहीं? ये 30 डिग्री आ जाएगा। चलो ये बता दो फिर, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल BAC है, अब ये बताओ कितने डिग्री का होगा? हाँ, जिनका सही है वेरी गुड, जिनका सही नहीं था उन्हें पता होना चाहिए कि सही कौन सा होगा। वेरी गुड, यस। अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ये वाला 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो अब इन दोनों को जोड़ो, जो हमें ऑलरेडी पता है, 60 और 30, 60 प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री आ गया, ठीक है? अब आपको चाहिए, अब 90 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 बन जाए? 90 जोड़ोगे ना तभी 180 डिग्री बन जाएगा। सॉरी, 90 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 180 डिग्री बन जाए? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। आपको ये बात पता है, एंगल ए आपको नहीं पता है, एंगल बी आपको पता है, जो एक्स था आपने अभी 30 डिग्री निकाला, एंगल सी आपको दिया गया है 60 डिग्री है। तो यहाँ से क्या बन गया? एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना आ गया? 180 माइनस 90। 180 में से 90 को घटाओ, 90 आएगा कि नहीं आएगा? एक तरीका ये था। दूसरा क्या था? यहाँ पर आप रैखिक युग्म बनता हुआ देखोगे, रैखिक युग्म बनता हुआ देखोगे, तो 180 में से डायरेक्ट 90 को भी माइनस कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है? सबको याद आया क्या कैसे करते थे? बाह्य कोण अगर दिया है, अंतः कोण कैसे निकालते हैं? आगे बढ़े। इसके बाद सभी को याद होगा हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, और आप लोगों ने मुझे अभी अभी बताया भी था कि हम कहाँ पर यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, समकोण त्रिभुज पर करते हैं, है ना? तो अगर वैसे हम ये पिछली क्लास में सिर्फ पढ़ चुके थे, क्वेश्चंस नहीं किए थे, क्वेश्चंस हम आज करेंगे। पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। अब जल्दी से बताओ, अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा? कर्ण कौन सी भुजा होगी? अननेसेसरी चार्ट करने के लिए मना किया गया है ना, क्लास से निकाल दिया जाएगा। शंकर, कितनी बार वार्निंग दी जाए तुम्हें? शंकर आप अपना नाम बताएं, आप किस स्कूल से हैं? शंकर कुमार के आईडी से जो बच्चे जुड़े हैं अपना नाम बताएं। आप चैट शंकर ही बॉक्स है, में अपना शंकर नाम लिखें, ही है। स्कूल का नाम बता दो अपना। आप अपने स्कूल का नाम बताइए, किस स्कूल से आप हैं। अरविंद रिमूव कर दो। हैप्पी बर्थडे। ओके। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग। पी आर यहाँ पर कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना? और दूसरी भुजा क्या है यहाँ पर? ये हमने आधार ले लिया, ये वाली भुजा आधार हो गई और ये लंब हो गई। मैं एक बार सभी को क्या दोबारा बता, क्या हुआ? चैट बॉक्स में बताओ गौरव। एक मिनट रुकना बच्चों। नवीन दोबारा समझा देती हूँ मैं, ठीक है? हाँ हाँ ये ढंग से है। अमित, आपको पिछली क्लास में भी कई बार वार्निंग दी जा चुकी है, इस क्लास में मैं आपको निकाल रही हूँ। हाँ,
तो देखो क्या हो रहा है, ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाले यहाँ पर समकोण बनता है ना, उसके सामने जो भुजा होती है, उसके सामने जो भुजा होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी दोनों भुजाएं क्या क्या होती है, एक तो आधार होती है और दूसरी लंब होती है ना, सबको याद आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, याद आया सबको ये पाइथागोरस प्रमेय हम जो पढ़ चुके हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर मान लो किसी समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा पता है, सॉरी दो भुजाएं आपको पता है और बाकी एक भुजा आपको निकालनी पड़े, जैसे मान लो एक त्रिभुज आपको दे दिया, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है, आपसे करण पूछा जाए है ना, तो आप कैसे निकालोगे, आपको क्योंकि ये पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या पता है, क्या पता है, क्या निकालना है, आधार और लंब पता है, वेरी गुड। आधार कितना दिया गया है आपको, 4 सेंटीमीटर, तो मैं 4 का वर्ग लिखूंगी। लंब कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, तो मैं 3 का वर्ग लिखूंगी। जल्दी से मुझे बताओ कि 4 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए, हमने उस दिन भी पढ़ा था। जल्दी से बताओ अगला स्टेप क्या होगा, वेरी गुड, सभी बच्चे कैलकुलेशन करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। जल्दी से इन दोनों को भी ऐड कर दो, शाबाश, वेरी गुड, 25 आ गया। तो यहाँ से आपके पास करण का वर्ग 25 आ गया। अब करण क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25 कितना होता है, और वर्गमूल 25, 25 को हम क्योंकि 5 × 5 लिख सकते हैं ना, तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आपको देखो दो भुजाएं पता थी, तीसरी आपको निकालनी थी, आपने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, तीसरी भुजा निकाल ली, है ना। क्वेश्चन करोगे अब इस पे, चैट बॉक्स में ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करेंगे। चलो सभी ने आंसर करना है और सही आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण की लंबाई आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि आपको क्या निकालना है, क्या आपको दिया गया है कि नहीं। आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। और एक हिंट भी दे देती हूं मैं, कि क्लास में अगर आप 1 मिनट पहले जाओगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है।
चलो अभी तो आधी क्लास में आंसर किया है, कोई बात नहीं, नोटबुक और पेन पर क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम लो अपना सॉल्व करने के लिए। सभी बच्चे पर कोशिश जरूर करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होगा और आप गलती कहाँ से करोगे, गलती कहाँ कर रहे हो आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे सॉल्व करने की। सभी बच्चे आंसर करेंगे, चलो लास्ट के 10 सेकंड दे रही हूँ, 20 सेकंड दे रही हूँ मैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए। लास्ट के 10 सेकंड्स। चलो टाइम्स अप। अब चैट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बताओ कैसे किया, ऑप्शन नहीं जानना है, ऑप्शन मैंने आप लोगों का देख लिया है चैट पोल सेक्शन में, आपने कैसे कैसे किया है मुझे ये जानना है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, बाकी बच्चे 5। मनीष कुमार के नाम पे जो है आपने 3 + 4 = 4 किया, ये क्या कैलकुलेशन है? कुछ बच्चे 7 लिख रहे हैं, उन्होंने क्या किया है आधार को और लंब को डायरेक्ट जोड़ दिया है। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कभी भी कि आपने आधार और लंब को एक साथ जोड़ देना और 7 आ जाएगा, ये मैंने पढ़ाया? मैंने तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है ना समकोण त्रिभुज के लिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करो। चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो चलो अब बताओ आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। और अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने यही तो क्वेश्चन कराया है, ध्यान से देखो यही क्वेश्चन कराया है ना, क्लास में सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तो इसलिए क्लास में एक एक चीज ध्यान से सुननी है। आपको कुछ भी नहीं करना था उस क्वेश्चन में, अगर आपने नोट किया होगा जो भी मैं पढ़ा रही थी तो आपको सीधे सीधे आंसर पता होता है इसका, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, है ना। बाकी बच्चे जिन्होंने ध्यान दिया था उन्होंने 5 आंसर शुरू में लिख दिया है ना। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा, करण कितना हो जाएगा वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 कितना होता है 5, और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ठीक था। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, कुछ बच्चे 5-6 बच्चे हैं जो 4 + 3 को डायरेक्ट ऐड कर दे रहे, क्यों ऐड कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे कुछ बच्चे ने देखो कितने अच्छे से चार्ट में प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी लिखा है, स्टेप्स लिखे हैं 3 + 4, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं लगा पा रहे हैं, बट उन्होंने फिर भी पूरे पूरे स्टेप्स लिखे हैं चैट बॉक्स में, देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको सबको समझ आया कि हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि, है ना। अगला क्वेश्चन सही करोगे सब, ये बताओ, अगर सही करोगे तभी मैं दिखाऊंगी अगला क्वेश्चन, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। सभी सही करने की कोशिश करोगे, एटलीस्ट ट्राई करो, हाँ कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती कर करके ही हम सीखते हैं, अगला क्वेश्चन सभी एकदम ठीक करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर दे रही हूँ। हाँ पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करेंगे, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पर आपको जैसे इस बिल्डिंग की लंबाई दी गई है ना, तो बिल्डिंग की लंबाई अगर इधर 12 सेंटीमीटर है तो इधर भी 12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर या मीटर में कुछ नहीं दिया गया, तो 12 ही है, यहाँ पर भी 12 ही होगी, तो आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ देख सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग तो सीधी खड़ी होगी ना जमीन पर। अब आपको देखना क्या है कि किस क्या चीज हमसे पूछी गई है, और आप इस क्वेश्चन से ये भी देख सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ पर सीधे सीधे आपसे एक सीढ़ी की लंबाई पूछ ली गई है, एक बिल्डिंग की लंबाई आपको दी गई है,
बिल्डिंग से सीढ़ी तक की दूरी आपको दी गई है। तो आप इस तरह से डेली लाइफ में अपना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हो। आगे भी बहुत सारी जगह यूज होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल ठीक करना है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है किसी ने भी, और तुक्के मार के नहीं ऑप्शन कोई भी चुन ले रहा है। नोटबुक और पेन उठाओ सभी बच्चे, नोटबुक और पेन का इस्तेमाल करो, कैलकुलेट करो खुद से, उसके बाद ही ऑप्शन चुनो जाकर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे नोटबुक में, उसके बाद ही आंसर करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम यहां पर लगा सकते हैं, आपको देखना है कि आपको क्या चीज दी गई है और निकालना क्या है, और बस उसके बाद वैल्यूज को भरते जाओ और सॉल्व करते जाओ। चलो सभी बच्चे, अभी तो आधी क्लास में आंसर किया है, चलो चलो सब बच्चे सॉल्व करो। सभी को वर्ग निकालना तो आना चाहिए, कुछ और कुछ एक 15 तक तो एटलीस्ट याद करके रखो। उससे क्या होगा, स्क्वायर आपको 15 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, उनके स्क्वायर स्क्वायर रूट भी, वर्ग और वर्गमूल दोनों चीजें, उससे होगा ये, एक तो आपको निकालना है तो भी अच्छा है, निकालना तो आना ही चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे, है ना। जैसे आप छोटी क्लासेस से टेबल्स याद करते हुए आते हैं ना, टेबल्स का फायदा कहाँ होता है, आगे आके आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दी जाती है टेबल्स का, पर फायदा कहाँ होता है, आप कैलकुलेशन फास्ट करने लगते हो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने लगते हो, टाइम बचता है। चलो चैट बॉक्स में अब सब बच्चे बताएंगे कैसे किया इस क्वेश्चन को, हम स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ 17 बोल रहे हैं, कुछ 13 बोल रहे हैं, ये बताओ कैसे किया। चलो देखते हैं, आपसे पूछा, आपसे क्या क्या निकालना था। अगर मैं इसे एक समकोण त्रिभुज मानू सीधा सीधा, तो आपको क्या चीज नहीं पता है, आधार लंब और कर्ण में से बताओ क्या चीज नहीं पता है। चलो आपको कर्ण नहीं पता है, कर्ण आपको x दिया गया है जिसका मान आपको निकालना है। वेरी गुड, देखो गौरव ने कितने अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन भी करके लिखा है, बाकी बच्चे भी सब चैट बॉक्स में कितने अच्छे से लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आधार आपको 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर, लंब आपको पता है 12 होता है, जल्दी से बताओ 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। मनीष कुमार के नाम से जो है बेटा, मैंने पहले भी बोला है आपको दोनों भुजाएं नहीं ऐड करनी है, जो आपको समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा मनीष कुमार के नाम से जो है, आप बताओ। पांच का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करना है हमें तो, बस इन दोनों को जोड़ देना है। तो x क्या हो जाएगा, वर्गमूल 169, है कि नहीं। वर्गमूल 169 कितना होता है, देखो 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13, तो इसका मतलब x का मान कितना आया 13। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, x मतलब 13, अगर हमें यहाँ पे मीटर मीटर में दिया होता 13 मीटर, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर, या अभी हमें कोई यूनिट्स नहीं दिए तो हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे 13। अब बताओ सबको समझ आया, किस किस का ठीक था ये बताओ, किस किस बच्चे का ठीक था।
जिस जिस का ठीक था वो अपने आप को एक एक स्टार दे लो, जिसका ठीक नहीं था उसको समझ आया ठीक कैसे होगा ये समझ आया। हाँ तो हमारा सही वाला ऑप्शन क्या है, सी है। जिसको जिसका गलत भी था बट ये समझ आया ना कैसे होगा, कोई बात नहीं गलती से हो गया बट समझ आना चाहिए बाद में, है ना। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो? अगला क्वेश्चन करोगे बिल्कुल ठीक ठीक चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, करना कुछ नहीं है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी, है वही। आपको दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, वो अगर आप ठीक से कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक निकाल लोगे। सभी बच्चे नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठेंगे। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको बीसी की बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। दो भुजाएं आपको ऑलरेडी दी गई हैं, आपको ये पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम भी ले लो। चलो ताकि जल्दी हो जाए मैं 25 का वर्ग बता देती हूँ। 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है। आपका काम आसान कर दिया मैंने। सब बच्चे आंसर करेंगे जरूर। कोई बात नहीं, टाइम लो अपना, आराम से कैलकुलेशन करो बट कोशिश सब करो। चलो सब बच्चे करो। गौरव आंसर नहीं दिखाओ। थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, बट कोशिश सबने करनी है क्वेश्चन करने की। 25 का स्क्वायर भी मैंने बता दिया है, तो एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी खुद से। अभी बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और, जल्दी से अपना आंसर चुनो सब, फिर पोल सेक्शन को मैं बंद कर दूंगी। लास्ट के 20 सेकेंड और।
चैट बॉक्स में भी खोल रही हूँ। अब पहले मुझे ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से मुझे क्या चीज नहीं दी गई है, क्या मुझे पता है क्या मुझे नहीं पता है? पाइथागोरस प्रमेय है, उसका इस्तेमाल होगा, ये तो सभी को पता है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से लिखती हूँ। क्या चीज हमें पता है? करंट पता है, 25 है ना, 25 का स्क्वायर। बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? अननेसेसरी चैट्स करने के लिए मना किया गया है ना चैट बॉक्स में। 25 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 625 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहां पर बचा क्या? बी सी का स्क्वायर है ना। रुको एक मिनट, जरा एक मिनट रुकना बच्चों। मैं दोबारा से लिखती हूँ इसको। चलो अब क्या हो जाएगा, 625 माइनस 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बताओ बी सी कितना आएगा यहां से? 625 में से 49 को माइनस करो, माइनस करो कितना आएगा? 576 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब यहां से BC का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 576, जो कितना होता है? 24 होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? C होगा, 24 मीटर। अच्छा ये आप लोगों को याद है, मैंने ये बताया था कि करण सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, है ना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, क्योंकि वो 25 से ज्यादा हो जाते। करंट सबसे लंबी भुजा होती है। अब आपके पास बस दो ऑप्शंस बचे थे, इनमें से आपको देखना था कि आपका कौन सा वाला सही होगा। सबको समझ आया ये पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से हम निकालते हैं और, है ना। चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता। चैट बॉक्स में जो भी अननेसेसरी मैसेजेस कर रहे हैं, एक तो उन्हें क्लास से निकाल दिया जाएगा और दूसरी चीज उनकी स्कूल में भी कंप्लेन जाएगी। एक बार आपको मना कर दिया गया है तो उस चीज को समझ लें। बेटा कोई भी आप अननेसेसरी चैट नहीं करें, नहीं तो आपके विद्यालय में शिकायत की जाएगी। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास को करें। मोहित प्रजापति के नाम से जो बच्चे जुड़े हैं, कुछ भी ओके मैम ओके सर नहीं लिखना है। मैम जो आपको काम दे, आप उस काम के बदले उसमें आंसर लिखे। पर भी नहीं, मनीष कुमार का लाओ मत करना, मैंने रिमूव कर दिया, डोंट अलाउ। और एक एक सर एसके के नाम से जो काम, उसको मैंने रिमूव कर दिया। चलो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांग समता। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या होती है वो हम समझेंगे। अब कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनका आकार और आकृति अगर समान है
तो उन दोनों वस्तुओं को हम सर्वांगसम कहेंगे, सर्वांगसम वस्तु है तो उन दोनों हम क्या कहेंगे, उस चीज को सर्वांग समता कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर दो पेंसिल है, ठीक है, दो पेंसिल हैं। आप जैसे कौन सी, जैसे नटराज की होती है पेंसिल, अप्सरा की होती है, बिल्कुल न्यू लेते हो तो वो बॉक्स में अगर आप देखोगे एक पेंसिल का बॉक्स, उसमें जितनी भी पेंसिल होती है सब सेम होती है ना, सारी पेंसिल सेम होती है, तो वो क्या कहलाई जाएंगी, सर्वांगसम कहलाई जाएंगी। उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कलर है ना, एकदम सेम है जिन पेंसिल्स का, उन्हें हम सर्वांगसम कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये दो पेंसिल देख रहे हो, ये बिल्कुल दिखने में एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, तो ये दोनों सर्वांगसम कहलाई जाएंगी है ना, और इस संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दो बुक्स देख सकते हो, दो बुक्स हैं बिल्कुल ठीक एकदम सेम नजर आ रही हैं, ये दोनों सर्वांगसम होंगी। अच्छा, ऐसी बुक्स का एग्जाम्पल दो, कोई दे सकता है ऐसी बुक्स का एग्जाम्पल जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सेम होती हैं, सर्वांगसम किताबों का एग्जाम्पल दो, कोई अगर एग्जाम्पल दे सकता है, कोई अपने आसपास अगर कोई ऐसी बुक्स देखो, कोई भी दो बुक्स ऐसी जो बिल्कुल सेम हो, जो सर्वांगसम हो। अगर मैं कहूँ तो मैं बुक्स की बात करूं, पहले मुझे बुक्स के एग्जाम्पल दे दो, इरेजर नोटबुक्स पर बाद में जाना। अवंती की जो किताब आपको दी गई है, जितने भी बच्चों के पास अवंती की बुक्स है वो सब क्या है, सर्वांगसम है ना। मुझे ये बताओ आपकी जो 9th क्लास की मैथ्स की बुक है और जो 10th क्लास 8th क्लास की मैथ्स की बुक थी, क्या वो सर्वांगसम थी, नहीं थी। हो सकता है कि वो उनकी लंबाई अलग हो, वो दिखने में अलग हो है ना, तो ये क्या हुई, ये वाली जो किताब है। इसके अलावा और एग्जाम्पल दो, और क्या क्या एग्जाम्पल्स आप सर्वांगसम वस्तुओं को देख सकते हो, ऐसी चीजें जो दिखने में बिल्कुल सेम है, जिनकी आकृति आकार बिल्कुल सेम है, ऐसी चीजों का एग्जाम्पल दो। नोटबुक, नोटबुक भी देखो डिपेंड करता है, अगर आप सेम कंपनी की लेते हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस वाली लेते हो, इतना होंगी। ट्राइंगल्स भी डिपेंड करता है ना, एक ट्राइंगल में इस तरह से बना दू, ये बना दिया, और दूसरा ट्राइंगल में बहुत बड़ा बना दू, ये सर्वांगसम है, नहीं है ना। फैन, अच्छा फैन की आप ये कह सकते हो, जो पंखड़ियां होती हैं फैन की, वो सर्वांगसम है, तीन होती हैं चार होती हैं, तो वो बिल्कुल सेम होती है ना। पेन, हाँ पेन अगर सेम कंपनी का है तो हम कह सकते हैं सेम कंपनी का बिल्कुल सेम वाला मॉडल है, कोई एक पर्टिकुलर पेन है जो आप यूज करते हो। ठीक है, हाँ तो ये आपको समझ आ गया, एग्जाम्पल सब बहुत सही से लिख रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखो, आप पहला वाला जो है, ये यहाँ पर ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, तो हम इन्हें सर्वांगसम नहीं कहेंगे, ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है दोनों टेबल, बट दोनों की शेप अलग अलग है। ये कह सकते हो कि हो सकता है ये ऊंचाई इसकी ज्यादा हो, इसकी ऊंचाई कम हो है ना, और यहाँ पर आप चेयर देख सकते हो, दिखने में ये कितनी छोटी है और ये कितनी बड़ी है, तो हम इन आकृतियों को भी सर्वांगसम नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ आया सर्वांगसम क्या होता है सभी को, है ना। अब हम बात करते हैं समतल में, तल में जो आकृतियां होती है उनकी सर्वांगसमता अब हम देखेंगे। जैसे कि आप अभी तक त्रिभुज बोल रहे थे ना, अब त्रिभुज में भी ये है ना, कौन से वाले त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, एक त्रिभुज में ऐसे बना दूं, एक त्रिभुज में ऐसे बना दूं, है तो दोनों त्रिभुज बट दोनों दिखने में सेम थोड़ी है, दिखने में क्या, वैसे भी अगर हम देखेंगे तो सेम नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों एकदम सेम नहीं है, तो हम इन्हें सर्वांगसम नहीं कहेंगे। तो हम कब देखेंगे कौन कौन से त्रिभुज कब कब सर्वांगसम होंगे, कब कब उनकी आकृति सेम होगी। अभी आप बस मुझे देख के ये बताओ, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, क्या इन दोनों त्रिभुज की सारी साइड्स बराबर है। अच्छा, सर्वांगसम में एक एक एग्जाम्पल, हाँ अब आया है वो एग्जाम्पल, हैंड्स का एग्जाम्पल। सर्वांगसम आकृतियों को देखो आप कैसे, हैंड्स है आपके जो दोनों हाथ है एक दूसरे के सर्वांगसम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। अगर आप, आपको मतलब बिल्कुल बेसिक चीज जाननी है सर्वांगसमता के बारे में, आप क्या करो, एक हाथ लो, दूसरा हाथ उसके पीछे रखो, तो दूसरा हाथ आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ सामने वाला हाथ नजर आ रहा है। तो बस ऐसी दो चीजें जिनको अगर एक के पीछे हम ऐसे एक रख दें तो दूसरी वाली बिल्कुल छुप जाएगी, तो वो दोनों आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी है ना। अब आप अगर यहाँ पे दोनों त्रिभुज देख रहे हो, मान लो ये आपने एक
चार्ट पेपर पर ऐसा त्रिभुज बनाया, दूसरे चार्ट पेपर पर ऐसा त्रिभुज बनाया, अब इन दोनों की कटिंग कर लो और एक दूसरे पर चिपका दो, फेविकोल लेकर इनको अगर आप चिपका देते हो तो क्या बताओ, मतलब नजर आएगा? अगर आप कोई भी त्रिभुज आगे की साइड रखते हो, उनके अलग अलग कलर्स ले लो या थोड़ा इमेजिन करके देखो, नहीं नजर आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कोई और सा ट्रायंगल भी हमने चिपकाया हुआ है ना? क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी साइड क्या है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी 4, 3 और 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 4, 3 और 2 सेंटीमीटर है कि नहीं? अगर मैं क्या करती हूँ, मान लो मैंने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया पी क्यू आर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर कर दी, ये मेरी मैंने 3 सेंटीमीटर कर दी और क्यू आर मैंने 2 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है? अब मुझे बताओ क्या ये सर्वांश में मैं सेंटीमीटर को मिटा रही हूँ, ये थोड़ा लिखा ही जा रहा है यहाँ पर, आप समझ जाओ कि यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर मतलब है लगा हुआ, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, क्या अभी भी ये सर्वांशम है? पुराने वाली को भूल जाओ, मना कर रहे हो? अच्छा देखो, फिर बेसिक एग्जांपल देखो, ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, एक हाथ मैंने ऐसे रखा, दूसरा हाथ मैंने ऐसे रख दिया, मेरे हाथ सबको नजर आ रहे हैं, एक हाथ मैंने सीधा करके रख दिया, दूसरा मैंने उसको टेढ़ा करके रख दिया, अब क्या ये सेम नहीं है? सेम नहीं है, ये अलग हो गए दोनों, बताओ, नहीं हुए ना? अभी भी दोनों सर्वांशम है ना, है ना? तो वही चीज मैंने ट्राइंगल के साथ की है, वही चीज मैंने ट्राइंगल के साथ की, इस त्रिभुज के साथ की, इसको बस थोड़ा सा घुमा दिया है। अभी भी अगर आप देखोगे, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी अगर आप कटिंग करके इस पर चिपकाओगे तो इमेजिन करके देखो, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चिपकेंगे ना ये, अगर आप ऐसे पेस्ट करोगे फेविकोल के साथ या कैसे भी कर सकते हो ना? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही दिया गया हो, दिखने में ऐसे बिल्कुल सेम, आपको देखना है, ऐसे इसको घुमा के भी दिया जा सकता है, आपको देखना है कि क्या ये एक दूसरे के सर्वांशम है या नहीं है, है ना? अब हम लिखते कैसे हैं त्रिभुजों की सर्वांशमता, हम लिखते कैसे हैं? अब आपको ये पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ये सबको पता चल गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, सबको पता चल गया ये। अब आपको लिखना है, ये चीज आपको लिखनी है कि ये त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो आप पूरा लिखोगे सर्वांशम? नहीं, मैथ्स में हम हर चीज का सिंबल यूज करते हैं ना, जैसे त्रिभुज को हम ऐसे त्रिभुज बना के दिखा देते हैं, तो ये है सर्वांशमता का निशान। अगर आपको कहीं पर भी ये निशान दिखे तो इसका मतलब समझ जाओ ये दोनों त्रिभुज एकदम सेम है, इनकी भुजाएं बराबर हैं, इनके कोण बराबर हैं, इनके शीर्ष बराबर है, शीर्ष बिल्कुल ठीक है। इस वाले निशान से आप क्या समझ जाओगे, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है। सबको समझ आया सर्वांशमता का निशान, ठीक है? अब मैं अगर आपको बोलूं कि हमने पी क्यू आर ही क्यों लिखा, ठीक है, इसका नाम किसी और तरीके से क्यों नहीं लिखा, वो देखेंगे कि क्या इसका नाम यही लिखना जरूरी है। नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वांशमता होने के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम अब देखेंगे। अगर सबसे पहले आप कैसे करोगे, देखो नाम कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे अब। ये आपको पता चल गया दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, सर्वांशम को हम किस तरह से दिखाते हैं, अब हम सीखेंगे कि हम नाम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर शीर्ष ए बी सी है, ये सबको पता है, इस वाले त्रिभुज में 3 शीर्ष है, शीर्ष ए बी सी, ये सबको पता है, बताओ, अब चार्ट बॉक्स में लिखो, सबको पता है। अब मुझे ये बताओ कि जो शीर्ष ए है, ये आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो एक शीर्ष होता है वो 2 भुजाओं से मिलकर बनता है, तो बताओ शीर्ष ए कौन कौन सी 2 भुजाओं से मिलकर बना है? ये है शीर्ष ए, यहाँ पर ये रहा, इसकी 2 भुजाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी 2 भुजाएं, उनकी लंबाई बताओ मुझे, नाम नहीं बताओ, उनकी लंबाई बताओ, क्योंकि लंबाई वहां पर काम आने लगी, काम आएगी हमारे आगे। ए बी और बी सी की लंबाई क्या है वो बताओ, 4 और 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। अब इस वाले त्रिभुज में देखो ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है,
यहाँ पर देखो दूसरे वाले में टी है, बिल्कुल ठीक। इसको मैं भी यहाँ से मिटा दे रही हूँ क्योंकि हम नाम खुद से लिखेंगे, तो ए का साथी पी हो गया। इस तरह से नाम करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अब देखो दूसरा शीर्ष ले लो बी। बी की कौन कौन सी दोनों भुजाएं हैं, किन दो भुजाओं से मिलकर बना है बी, जल्दी से उन दोनों भुजाओं की लंबाई बताओ सब बच्चे। दो और तीन या दो और चार? दो और चार। अब जल्दी से दूसरे वाले त्रिभुज में ढूंढो कौन सा शीर्ष है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है। क्यू, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा शीर्ष क्या हो गया? क्यू हो गया। अब कौन सा शीर्ष बचा है? सी बचा है ना, तो सी का साथी कौन हो जाएगा? सी का साथी आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं, अपनी मर्जी से नाम नहीं कर देते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से नाम हम नहीं कर देते हैं त्रिभुज का, हमें देखना पड़ता है कौन सा त्रिभुज, जो जो भुजाएं बराबर है भुजाओं के हिसाब से, उनके शीर्ष के, उनके संगत शीर्ष के हिसाब से। देखो संगत शीर्ष क्या होता है, अभी अभी हमने जो पढ़ा, देखो मैं सीधी, जैसे आप ये दोनों हाथ है तो इसकी, इसका संगत, ये जो अंगूठा है इसका संगत वाली कौन सी उंगली होगी? अंगूठा ही होगा। जैसे हम एक दूसरे के पीछे अगर छुपा रहे हैं तो अंगूठे के पीछे अंगूठा आ रहा है, इस वाली फिंगर के पीछे ये वाली फिंगर आ रही है। तो इसी तरह अगर हम इन दोनों को पेस्ट करेंगे, है ना, तो ट्रायंगल एबीसी, अभी आपको नहीं पता है कि इनकी भुजाएं कितनी 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 लंबाई है, क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा शीर्ष किसके संगत है? सबसे पहले आप ए देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले पी आ रहा है, तो आप सीधे लिख दोगे शीर्ष ए शीर्ष पी के संगत है। संगत मतलब अगर आप इसको इसके साथ देखोगे तो ये एग्जैक्ट इसके पीछे आएगा, है ना। अब इसी तरह बताओ दूसरे नंबर पर कौन सा शीर्ष है ट्रायंगल एबीसी में? ट्रायंगल एबीसी में कौन सा शीर्ष है? बी है। तो बी का संगत शीर्ष कौन सा होगा? यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखो क्यू। इसी तरह सी का क्या होगा? आर होगा, है ना। बिल्कुल जो हमने पहले किया ना उसी का उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पर, सी का आर होगा। तो संगत शीर्ष हम इस तरीके से देखते हैं। देखो भुजाएं शीर्ष और कोण सबको पता होना चाहिए, वो चीजें रिवाइज करवाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब हम भुजा कैसे देखेंगे? आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया कि लंबाई किस किस भुजा की कितनी लंबाई है, आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। आपको बस इतना बता दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांग सम है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी भुजा किसके बराबर है, वो आप संगत भुजाएं देखोगे। वो कैसे देखोगे? सबसे पहले ए बी, शुरू के दोनों लेटर्स कौन कौन से हैं? ए बी है, तो ए और बी शीर्ष से मिलकर ए बी भुजा बनेगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले कौन सी भुजा आ रही है पी क्यू आर में? पी क्यू। तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू होगी। दूसरे नंबर पर देखो क्या है? बी सी भुजा है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा दूसरी भुजा? क्यू आर। तो बी सी और क्यू आर। अब तीसरी भुजा कैसे डिसाइड करोगे, है ना, तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर वाला और सबसे लास्ट नंबर वाला जो शीर्ष है, उन दो को अगर हम मिलाएंगे तो एक भुजा बन जाएगी। इसी तरह पी आर, तो ए सी की संगत भुजा क्या हुई? पी आर हुई। सबको समझ आया संगत भुजाएं कैसे देखते हैं? अगर मैं आपको दे दूं कि एक त्रिभुज ए बी सी है जो सर्वांग सम है दूसरे त्रिभुज एस टी एम के, अब मुझे बताओ कि बी सी की संगत भुजा कौन सी होगी? ऊपर वाला मैं मिटा रही हूं, नया जो लिखा है ना वो बताओ उसमें देख के। एक त्रिभुज ए सी ए बी सी है जो सर्वांग सम है त्रिभुज एस टी एम के, सभी बच्चे लिखेंगे, वेरी गुड। तो बी सी आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर वाला जो शीर्ष है, यहाँ पर सेकंड के लास्ट के जो दो हैं, यहाँ पर लास्ट वाले दो देख लो टी एम। अच्छा ए सी बताओ, ए सी की संगत भुजा क्या होगी? ए सी की भी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, एस एम। सबको समझ आ गया संगत भुजा कैसे देखते हैं, है ना। चलो अच्छा, अब उसके बाद भुजा कर लिया हमने, शीर्ष कर लिया, एंड में बचता है कोण। तो
तो कोण, अगर आपको शीर्ष पता चल गया है तो कोण भी ऐसे ही होगा। अगर ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम है तो सबसे पहला कोण यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, तो आप लिखोगे कोण ए का संगत कोण है कोण पी, और ये बराबर भी होंगे। ठीक है, अब इसी तरह कोण सी का संगत कोण क्या होगा, कोण सी का संगत कोण क्या होगा, कोण आर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ आ गया कैसे करते हैं हम संगत भुजा, कैसे देखते हैं, इनका नाम कैसे लिखते हैं। सभी को समझ आया? क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड। सबको समझ आया ये सर्वांग समता क्या होती है? हाँ, होमवर्क भी अब नोट करते हैं, टाइम हो गया है। सर्वांग समता क्या होती है, उसके बाद हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप त्रिभुजों को नाम कैसे कर रहे हो। अगर आपने नाम गलत लिखा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी भुजाएं उनमें बराबर हैं। हाँ, होमवर्क अभी बता रही हूँ मैं आपको, तो इसलिए नाम कैसे लिखना है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास में मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था उसका, पाइथागोरस प्रमेय का। बाकी ये जो दो क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पे, पहले 15.1 का दूसरा पार्ट और सॉरी 12.1 का दूसरा पार्ट और 12.2 पूरी, ये दोनों आप अगली क्लास में करके आओगे, और सभी ने प्रैक्टिस करनी है पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, और अभी क्लास से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, अभी क्लास छोड़कर नहीं जाना है, पहले होमवर्क नोट कर। आप स्टॉप कर रिकॉर्डिंग को ना।